परेशानी है, ये आंसू कमजोरी की निशानी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। ये शब्द थे एक पिता के, ये शब्द थे एक कोच के, ये शब्द थे एक आंखों में आंसू लिए हुए एक इंसान के, जिस इंसान ने सालों तक इंतजार किया कि जिस बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया, जिस बेटे को उसने क्रिकेट के मैदान पर बड़ा सुपरस्टार बनाया, जब वो मैदान पर जाएगा तो कोहराम मचाएगा। सपनों में जीता रहा, इंतजार करता रहा, अपने बेटे को तराशता रहा, अपने बेटे को कामयाब बनाता रहा, और आज जब बेटा कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़कर टीम इंडिया में पहुंचा, आज जब बेटे को टेस्ट कैप मिली, आज जब बेटे का नाम टीम इंडिया के लिए बुलाया गया, तो एक पिता भावुक हो गया। एक पिता की आंखों से आंसू निकल आए, एक कोच की आंखों से आंसू निकल आए, उस इंसान की आंखों से आंसू निकल आए जिस इंसान ने सालों तक इंतजार किया था कि उसका बेटा भी एक दिन, उसका शिष्य भी एक दिन टीम इंडिया में जाएगा और टीम इंडिया में जाकर परचम लहराएगा। किसको इंतजार नहीं होता, हर माँ बाप अपने बेटे की कामयाबी के लिए सलामत मांगता है, दुआ मांगता है, और यही काम किया था सरफराज खान के पिता ने। कई सालों से सरफराज खान को लेकर यह चर्चा थी कि सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, सरफराज खान को टीम इंडिया में खिलाना चाहिए। सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में तूफान मचाते रहे, शतक पर शतक लगाते रहे, लेकिन बीसीसीआई वाले उन्हें लगातार नजरअंदाज करते रहे, लेकिन सरफराज खान के पिता ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, सरफराज ने भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। बेशक उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब मौका मिला तो पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पिता ने चेहरे पर हाथ रखकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि ये वो पिता था, अगर रोएगा तो बेटे को कमजोर कर देगा। ये वो पिता था जिसने ना जाने कितने दिनों तक रात भर जगकर अपने बेटे की कामयाबी के लिए सलामत दुआ मांगी होगी। ये वही पिता था जिसने अब एक पिता के साथ साथ एक कोच का भी धर्म निभाया, और आज अपने बेटे को जब कामयाब होते हुए देखा तो आंखों से आंसू पानी की तरह टपकने लगे। सरफराज के पिता ही नहीं, सरफराज की पत्नी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी जिस वक्त उन्हें टेस्ट कैप दी जा रही थी। अब सोचिए उस परिवार पर कितने खुशी के एक तरीके से साया पड़ा होगा, कितनी खुशी उस परिवार को मिली होगी जब सालों बाद ये एक सपना पूरा होता है कि उनका बेटा टीम इंडिया में पहुंच चुका है। एक पिता ये सपना जरूर देखता है, किसी भी खिलाड़ी का पिता, कि उसका बेटा एक दिन टीम इंडिया की टेस्ट कैप पहने, उसका बेटा एक दिन टीम इंडिया की जर्सी पहने, टीम इंडिया में जाए। आज जब बेटा टीम इंडिया में पहुंचा तो जाहिर तौर पर खुशी के आंसू आपको सरफराज के पिता की आंखों में देखने को जरूर मिले होंगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जिस पिता ने अपने एक पिता का फर्ज निभाया, कोच का फर्ज निभाया, अपने बेटे को कामयाब बनाया, आज जब सरफराज टीम इंडिया में पहुंचे हैं तो उनकी उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो कितने खुश होंगे, उनकी आंखों के आंसू ये साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।